इधर से भी लेते हैं और या देवी स्वरभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिताम् नमतस्तई 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 नमो नमः। सादर अभिवादन। सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर परिवार की तरफ से मैं आचार्य सन कुशवाहा समस्त देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं साथ ही अपने पूर्वजों को नमन एवं याद करने का पर्व पितृपक्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे। आज संपूर्ण देश शिक्षक दिवस मना रहा है। शिक्षक शब्द आते ही मन में एक नई ऊर्जा एक श्रद्धा भाव का संचार होने लगता है। शिक्षक हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, पाप से पुण्य की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षक केवल वो नहीं होते हैं जो सिर्फ किताबी ज्ञान दे, शिक्षक वो भी होते हैं जहां से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ने का ज्ञान मिले, प्रेरणा मिले। शिक्षक वो भी होते हैं जहां से हमें शिक्षा मिले किसी भी प्रकार की। वो कोई भी हो सकते हैं, दोस्त, मित्र, भाई, बहन, माता पिता, पड़ोसी या कोई भी। कहते हैं कि जीवन के लिए हम भगवान की ऋणी हैं, अच्छे संस्कार के लिए माता पिता की ऋणी हैं, परंतु जीवन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए हम शिक्षक की ऋणी हैं। मानव जीवन पाना भाग्य की बात है, शिक्षा पाना सौभाग्य की बात है और शिक्षक होना परम सौभाग्य की बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु ने नमः। भारत भूमि विद्वानों की भूमि रही है। यहाँ पर समय समय पर अनेक विद्वानों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने विद्वता के बल पर, शिक्षा के बल पर, योग्यता के बल पर, कार्यकुशलता के बल पर भारत को एक नई दशा और दिशा देने का काम किया। उसी में से एक विद्वान, शिक्षाविद, विचारक, दार्शनिक, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित